एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 इंट्रो एंड सॉल्यूशन। हम लोग हाई स्कूल में यदि आप ट्रायंगल पढ़े थे, अगर कोई ट्रायंगल दिया हुआ है और इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री, तब यदि आप ट्रायंगल के लिए हम लोग एक ट्रिक बनाए थे भाई, डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट बताते हैं, y1, y2, y3 को एक ऑर्डर में ले लिए, यहाँ लिखे हम लोग y1 माइनस y2 प्लस फिर y2 माइनस y3 एक ऑर्डर में, y2 माइनस y3 फिर प्लस y3 माइनस y1 एक साइक्लिक ऑर्डर में ले लिया। यहाँ y1, y2 है, y3 नहीं है, अगर y3 नहीं है तो यहाँ x3 लिखते थे, y2 y3 है, y1 नहीं है तो यहाँ x1, यहाँ y3 y1 है, y2 नहीं है यहाँ x2, प्लीज हाँ ये लिखते थे हम लोग, ठीक। अब पूरे का पान टू, यह था फार्मूला, लेकिन डिटरमिनेंट में कैसे क्या होगा, यही फार्मूला कैसे बनेगा, वन अपान टू तो आपका ऐसे रहेगा, ठीक है, x1 y1, x2 y2, x3 y3, तीनों कोऑर्डिनेट हमने लिख लिया ऑर्डर में, इसके बाद बगल में वन 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 वन, ये बन गया है आपका क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटरमिनेंट से, इसको नोट करिए, इसके बाद हम सवाल लगवाते हैं इस एक्सरसाइज पर आकर के, क्योंकि बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, नोट करें प्लीज इसको। इस फार्मूले का यूज हमको नहीं करना है, यहाँ पर हमको इस फार्मूले का यूज करना है। ध्यान दीजिएगा, अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, कोलिनियर मतलब अगर यही पॉइंट्स एक इसे एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री एक लाइन पर है, कोलिनियर हैं, तो इससे कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा, और ट्रायंगल जो बने जब नहीं बनेगा, ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, और अगर ट्रायंगल नहीं बनेगा तो इसकी एरिया क्या होगी, जीरो। भाई कोलिनियर पॉइंट से ट्रायंगल बनता ही नहीं, जब ट्रायंगल बनेगा नहीं तो इसकी एरिया क्या होगी, जीरो। तो इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, एक बात बताऊं, आप लोग वीडियो को अपलोड मत किया करें, अपलोड करते हैं मुझे इस बात का पता नहीं चलता कौन पढ़ा कौन नहीं पढ़ा, व्यूअर्स पता चलता है, चार लोग देखे, पांच लोग देखे, दस लोग देखे, बारह लोग देखे, लेकिन हमको ये नहीं पता चलता कि कौन देखा कौन पढ़ा कौन नहीं पढ़ा। मैं अंदाज़ा लगाता हूँ सिर्फ इस बात से कि कितना टाइमिंग मेरा ये वीडियो चला, उससे हमको एनर्जी मिलती है, पढ़ाने का मन करता है, पता चला कि हमने पढ़ाया अब पूरा टाइम वॉच टाइम दे रहा है कि एक घंटा, तो वहीं से एनर्जी ख़त्म हो जाती है, पढ़ाने का मन नहीं करता, इससे मेरा कुछ फ़ायदा भी नहीं हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं कोई ऐड भी नहीं आ रहा है मेरे चैनल पर, कुछ से मुझे कुछ मिल रहा है इसीलिए मैं कह रहा हूँ, लेकिन आप मुझे फीस नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम इतना तो करिए, मेरा उत्साह तो बढ़ाइए, इसलिए वीडियो को अपलोड न करें प्लीज़। इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। मतलब क्या, वन अपॉन टू एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री वन 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 इज इक्वल टू व्हाट, जीरो, ठीक है। इसी पर बेस्ड है आपका पूरा एक्सरसाइज 4.3, इसको नोट करें फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट पार्ट है, इसमें कोई ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस दिए गए हैं, जिसके वर्टिसेस दिए गए हैं, एरिया हमको निकालनी है,
एरिया इज इक्वल टू व्हाट, फर्स्ट पार्ट में करूंगा और सेकंड थर्ड आप खुद करिएगा, 1/2 x1 y1 10 x2 y2 60 x3 y3 43. अब यहाँ 1 1 1 हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप क्या करिए, एक जीरो तो ऑलरेडी है, एक जीरो और लाना है, C1 changes with C1 minus C3 कर दीजिए, तो क्या होगा 1/2 C1 में से C3 माइनस करना, 1 में से 1 गया 0, 6 में से 1 गया 5, 4 में से 1 गया क्या 3, बाकी 0 0 3 1 1 1 ऐसे रहेगा। अब क्या हो गया यहाँ पर, इसकी वैल्यू 0 फिर -0 फिर +1 एक्सपेंड करिए, एक्सपेंड करने में तो क्या होगा, केवल 1 को लेंगे, जब 1 को लेंगे तो ये डिटरमिनेंट ये नंबर आ जाएंगे 5 3 0 3, तो 1/2 × 5 3 15 15 - 0 = 15/2 यूनिट स्क्वायर, ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। इसी प्रकार से आप सेकंड और थर्ड पोर्शन आप कर लीजिएगा, डू योर सेल्फ। इसके बाद तुरंत बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका आता है क्या, कि सो दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये पॉइंट्स ए दिया है आपका ए बी प्लस सी, पॉइंट बी दिया है बी सी प्लस ए, पॉइंट सी दिया है सी क्या सी ए प्लस बी, करा के प्रूव करो कि पॉइंट्स कोलिनियर है। पहले तो हम इसका एरिया निकालेंगे, एरिया इज इक्वल टू व्हाट, 1/2 x1 y1 ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी, इसके बाद 1 1 1, ओके। ऐसा सवाल हम लोग किए थे, C1 changes with C1 plus C2 कर दे रहा हूँ, 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ए प्लस बी, 1 1 1, ठीक है। अब इसमें कॉलम 1 में C1 में क्या कॉलम है, क्या कॉमन है, ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, क्या हो गया 1 1 1, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ए प्लस बी, 1 1 1, टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, दो कॉलम आइडेंटिकल है, इसलिए इस डिटरमिनेंट का की वैल्यू क्या होगी 0 = 1/2 a + b + c × 0 = 0, तो एरिया कितनी आ गई 0, तो आप आंसर लिखेंगे हेंस व्हाट, गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, ओके। एक क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया, इसको वीडियो को पॉज करके आप तुरंत इसको जो है नोट कर लें। आता है क्वेश्चन नंबर 3, लेट मी ओपन द बुक, कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट वर्टिसेस आर दिस दिस दिस। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में करा फाइंड वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के, और एरिया दिया हुआ है कितना 4 यूनिट का स्क्वायर, ये एरिया दिया हुआ है, इसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, क्या है ये, इसके पॉइंट्स k0 4 0 0 2,
जीरो जीरो टू, ठीक है, जीरो टू ये दिया हुआ है, एरिया दी हुई है, के की वैल्यू पूछ रहा है। चलो एरिया इज इक्वल टू व्हाट, एक्स वन वाई वन के जीरो फोर जीरो जीरो टू वन वन वन, ओके। चलो ये वन अपॉइंट टू यहाँ लगा रहे, एरिया की वैल्यू दिया है फोर बराबर वन अपॉन टू, ओके। अब इसको हम क्या करें, एक्सपेंड कर दें, के लेंगे, जब हम के लेंगे तो ये वाले आ जाएंगे जीरो टू वन वन। चलो फिर माइनस जीरो लेंगे, जीरो लेंगे तो फोर जीरो वन वन, फोर जीरो वन वन अभी तो जीरो हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। प्लस वन लेंगे, वन लेंगे तो ये वाला आ जाएगा फोर जीरो जीरो टू, हो गया दो चौके आठ, एट बराबर के, इसका मल्टीप्लाई करो भैया जीरो माइनस टू, ठीक है, माइनस जीरो तो पूरा जीरो हो जाएगा, प्लस वन फोर टू या एट माइनस जीरो, ठीक है, एट बराबर क्या हुआ माइनस टू के प्लस एट ना, यानी माइनस टू के बराबर, माइनस टू के बराबर जीरो, तो के बराबर जीरो। लेट मी चेक द आंसर, आंसर ये सही आया होगा, फोर पॉइंट थ्री थर्ड का फर्स्ट जीरो, गुड, आंसर आपका सही आया है के इज इक्वल टू व्हाट जीरो। सेकंड पार्ट डू योर सेल्फ, डू योर सेल्फ सेकंड पार्ट आप खुद करें। क्वेश्चन नंबर फोर है, क्वेश्चन नंबर फोर इम्पॉर्टेंट है, हालांकि पांच ही तो क्वेश्चन है लेकिन सब इम्पॉर्टेंट हमको लगते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग वन टू और थ्री सिक्स, ये दो पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स को ये लाइन ज्वाइन कर रही है, ओके। इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इस पर एक तीसरा पॉइंट बेटा कंसीडर कर लो क्या, एक्स वाई, एक तीसरा पॉइंट कंसीडर कर लो क्या, एक्स वाई। अब आप जानते हो कि जब यह एक लाइन है, इस लाइन पर तीनों पॉइंट्स हैं, तो ये लाइन कैसे हैं, कोलिनियर, क्या है, कोलिनियर। तो सिंस वन टू थ्री फोर एंड एक्स वाई आर कोलिनियर, बोल यार कोलिनियर में ना, इसी लाइन पर हमने एक्स वाई को मान लिया, इसलिए वन अपॉन टू क्या, वन टू थ्री फोर एक्स वाई वन 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 इज इक्वल टू वन जीरो, या वन थ्री एक्स टू फोर वाई वन 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 इज इक्वल टू वाट जीरो। चलो एक काम करो, क्या कॉलम को रो में, रो को कॉलम में चेंज कर दो, ठीक है, आर और का, सिर्फ इसलिए हम नहीं भी करें, डायरेक्ट यहीं से वैल्यू निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं वन लेता हूँ, जब वन लूंगा तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा क्या, फोर वाई वन वन, फिर माइनस टू लेंगे, जब माइनस टू लेंगे कौन कौन सा आएगा, ये वाला, क्योंकि ये छूट जाएगा ये वाला, ये दोनों आ जाएंगे थ्री एक्स वन वन, ठीक है, प्लस वन लेंगे, जब वन लेंगे तो ये वाला छूट जाएगा, ये दोनों आ जाएंगे, ये तो पहले से ही छूटा है क्या, थ्री एक्स फोर वाई, ये बराबर क्या हुआ जीरो। चलो वन
फोर माइनस वाई माइनस टू थ्री माइनस एक्स प्लस वन थ्री वाई माइनस फोर एक्स बराबर जीरो। चलो फोर माइनस वाई माइनस सिक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फोर एक्स बराबर जीरो। चलो माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स हुआ, बोलो भाई प्लस थ्री वाई माइनस वाई प्लस टू वाई प्लस फोर माइनस टू बराबर जीरो। माइनस कॉमन ले लो, माइनस टू कॉमन ले लो तो भैया एक्स माइनस वाई प्लस टू बराबर जीरो या एक्स माइनस वाई प्लस टू बराबर जीरो, ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। या माइनस वाई बराबर माइनस एक्स माइनस टू या वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू, स्लोप के फार्म में आंसर हो गया, चाहे ये दिया हो चाहे ये दिया हो, जो भी दिया हो आंसर यही है। लेट मी चेक द आंसर, फोर का फर्स्ट फोर पॉइंट थ्री फोर का फर्स्ट वाई इक्वल टू टू एक्स दिया है, देयर इज समथिंग रॉन्ग। ओ माय गॉड क्या किया गार्ड, जानते हैं ये यहाँ थ्री सिक्स था, यहाँ लिखा हमने थ्री फोर। चलिए मान लीजिए ये पॉइंट एक सवाल यही था मेरा थ्री फोर वाला, ठीक है एक तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ एक्स्ट्रा क्वेश्चन। चलो अब हम इसको जो है फिर से करता हूँ, आंसर ले आना भाई। अब जो आपका क्वेश्चन है ये थ्री सिक्स था, ये क्या था थ्री सिक्स। चलो बड़ा पार्ट छोड़ रहे थे, माँ सरस्वती ने कहा कि चलो बहुत चलाक बन रहा है, कुछ इससे गड़बड़ी करवा दीजिए, एक्स वाई वन 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 ये बराबर क्या हो जाएगा जीरो। चलो भाई डायरेक्ट एक्सपेंड किया जाए, वन टू वन थ्री सिक्स वन एक्स वाई वन बराबर जीरो हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तब। अब इसको हम एक्सपेंड करता हूँ, वन लूँगा पहले तो ये तो छूट ही जाएगा, ये वाला छूट जाएगा, ये बचेगा क्या सिक्स वाई वन वन ओके। फिर माइनस टू, जब माइनस टू लेंगे ये वाला छूट जाएगा, ये रहेगा क्या थ्री एक्स वन वन। चलो भाई अब प्लस वन लेंगे, प्लस वन लेंगे ये वाला छूट जाएगा पूरा, ये बचा थ्री सिक्स एक्स वाई। चलो वन पहले इसका मल्टीप्लाई सिक्स माइनस वाई माइनस टू इसका मल्टीप्लाई थ्री फिर इसका मल्टीप्लाई माइनस एक्स प्लस वन थ्री वाई माइनस सिक्स एक्स बराबर क्या होगा जीरो। चलो सिक्स माइनस वाई माइनस सिक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस सिक्स एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है प्लस सिक्स माइनस सिक्स कट गया, ये माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस फोर एक्स प्लस टू वाई बराबर जीरो, तो टू वाई इजकल टू माइनस फोर एक्स तो वाई इजकल टू टू एक्स, देखिए यह भी आ गया ठीक है। और सेकंड पार्ट आपका फोर का सेकंड पार्ट डू योर सेल्फ आप खुद करें। चलिए अब हम बढ़ते हैं कहाँ अंतिम क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्या इसमें भी एरिया दिया हुआ है, तीन पॉइंट्स दिए हुए हैं और के की वैल्यू पूछ रहा है, यह मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। अब पांचवें में
दिया हुआ है कि एरिया इज इक्वल टू 35 यूनिट स्क्वायर, और पॉइंट्स क्या दिया हुआ है 2-6 और 5-4 और तीसरा पॉइंट दिया है K4। करा K की वैल्यू क्या होगी, एरिया इज इक्वल टू व्हाट, 1/2 और ये पॉइंट 2-6 5-4 K4 1-1-1। ठीक है, एरिया कितना दिया हुआ 35 इज इक्वल टू 1/2। कुछ नहीं करेंगे, कोई रूल नहीं लगाएंगे, सीधा 4 5 4 K4। जरा चेक कर लूँ फिर से, तो 5 4 K4। ठीक है, 5 4 K4 1 1 1। अब 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, ये 70 बराबर कर दूँ इसको। हाँ ठीक है, अब 70 बराबर पहले 2 लेंगे तो ये वाला मिल जाएगा हमको 4 4 1 1। फिर -6 वाला लेंगे, ये लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा 5K11। चलो भाई, +1 लेंगे, ये पूरा ये आएगा, ये वाला 5K44 70 बराबर, या 70 बराबर 2 4-4 4-4 +6 5 5 -K +1 20-4K हुआ आर 70 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, +30-6K +20-4K आर 70 इज इक्वल टू 30 20 50-10K। इधर ले आओ भैया, घट जाएगा, यानी 20 इज इक्वल टू व्हाट, 70 से 50 निकल जाएगा, -10K, के इज इक्वल टू -2। कौन सा विकल्प सही है भाई, बी, विकल्प आपका बी सही है। लेट मी चेक द आंसर आल्सो, मुझे भी तो आंसर चेक करने दे भाई, छोटा सा एक्सरसाइज पाए थे, बहुत खुश थे हम भी कि जल्दी से समाप्त हो जाएगा। 5वें का डी दिया हुआ है 12-2, दो वैल्यू दिया है, -2 हमने निकाला है। ये भैया कहीं स्क्वायर तो था नहीं, कहीं तो स्क्वायर था नहीं, इक्के की दो वैल्यू बने, सीधे तो आ गया था। और के केवल एक जगह था भी, टू माइनस सिक्स 5 4 K4। भाई मेरे में तो यही आंसर आया है, अगर कहीं से आंसर गलत होगा तो इसको मैं फिर से लगवा दूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से आंसर सही है भाई, प्रोसेस तो सही चल रहा है। अगर कहीं पर के इक्वेशन कोई वन वेरिएबल इक्वेशन है ये, फर्स्ट डिग्री का, सेकंड डिग्री का कुछ है भी नहीं ऐसा, हो सकता है कोई रूल वगैरह लगाए हों जीरो लाने के लिए तो के की दो वैल्यू दे दिया, लेकिन ये आंसर तो सही है। अच्छा सुनिए पहले,
के बराबर माइनस टू रखा 70 बराबर 70 और के बराबर 12 अगर मैं रखूं के बराबर 12 तब तो नहीं सही होगा, तब तो ये आंसर नहीं है, तो बिल्कुल नहीं दे सकता इसको। अब यहीं पर के की वैल्यू से रख करके चेक करना हो वैसे चेक करके कमेंट करिएगा एक बार के बराबर माइनस टू रखिएगा तब देखिए एरिया 70 आती है कि नहीं, एक बार 12 रखिए देखिए एरिया 70 आती है कि नहीं। कैसे आएगी भाई, नहीं आना चाहिए, यहाँ के की दो वैल्यू कैसे होगी। चेक करता हूँ आंसर भाई, चेक करता हूँ आंसर, चल आंसर चेक करता हूँ। अगर हम के बराबर माइनस टू रखते हैं क्या रखते जो हमारा आंसर आया है तब मैं देखता हूँ। अच्छा इस पर तो सेटिस्फाई हो ही जाएगा क्योंकि उसमें भी दिया है उत्तर में भी दिया है, जरा 12 पर देखता हूँ, 12 पर 1/2 इंटू चलो पहले तो टू लेंगे, जब टू लेंगे तो ये वाला 4 4 1 1 फिर माइनस सिक्स लेंगे तो 5 12 1 1 फिर लेंगे वन लेंगे, जब वन लेंगे तो 5 12 और 4 4 जरा चेक करिए तो 1/2 ये बराबर क्या हो जाएगा 1/2 ये तो 2 × 0 हो जाएगा प्लस 6 5 − 12 होगा प्लस 20 − 48 होगा ये हो जाएगा 1/2 6 × 12 में से 6 × 5 = 7 × 12 −7 होगा ठीक है, और ये हो जाएगा कितना −24 हो जाएगा ठीक है। तो 1/2 −42 −24 कितना हुआ भैया 70 1/2 × −70 कहाँ आ रहा है यार −35 नौ गलत आंसर दिया है, ये नहीं होगा यहाँ −2 ही होगा ठीक है, यही आंसर करेक्ट है बी वाला। नोट इट प्लीज थैंक यू सो मच, डाउनलोड मत करिएगा, मान ली लास्ट में कह रहा हूँ अब तक तो कर चुके होंगे आप लोग।